और सहारनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने वोट डालने के बाद न्यूज 18 से कहा कि जनता संविधान को बचाने के लिए वोट दे रही है। सुनते हैं। आप वोट कास्ट करके आए हैं, नीली स्याही आप दिखा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ये वोट का जो अधिकार है ये संविधान ने दिया है और संविधान को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हमने वोट का प्रयोग किया है। जब देश में संविधान के बदलने की चर्चा हो तो देश के संविधान को जो बचाने वाला है वो सिर्फ गठबंधन है, गठबंधन के लिए वोट कराए। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी लगातार कानून व्यवस्था की बात कर रही है, कनेक्टिविटी की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है। आपके पास क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के सहारे आप मैदान में गए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा संविधान है। जब देश का संविधान होगा, ये अधिकार संरक्षित और सुरक्षित रहेगा, तभी ये सब बातें। वहीं आपको बताएं कि आगरा से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राहुल गांधी के बयान को लेकर वार किया है, जिसमें राहुल ने एनडीए के 150 सीटों पर समेटने की बात कही थी। सुनिए एसपी सिंह बघेल साहब को। एनडीए सिर्फ 150 पर समेट। इस शताब्दी का किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर वो 150 कह रहे हैं तो आज की तारीख स्थान समय ले, या तो मैं माफी मांगूंगा यहाँ पर, या सार्वजनिक रूप से 4 जून को उनको माफी मांगी। आज इतिहास में ये अंकित कर दो कि राहुल गांधी ने कहा है कि 150 सीटें आएंगी। मैं संख्या डेमोक्रेसी में नहीं बताता हूं, लेकिन मैं एक छोटा आदमी हूं, मेरा बयान भी इतिहास में दर्ज हो जाए। आज की तारीख स्थान समय और ये न्यूज 18 कलेक्ट्रेट आगरा इतिहास में दर्ज कर लो कि यदि इससे ऊपर आए तो राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी अथवा फिर हम माफी मांगेंगे, हमें माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब आपको उत्तराखंड का वोटिंग परसेंट अब तक का बता देते हैं। उत्तराखंड में 24.61% वोटिंग हुई है। सुबह 11 बजे तक 24.61% वोटिंग हुई है। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो दूरस्थ इलाके हैं वहां पर सुबह सुबह तड़के ज्यादा जल्दी से वोट पड़ते हैं। इसके अलावा अगर मैदानी क्षेत्रों को देखा जाए, खासतौर पर हरिद्वार, हल्द्वानी, इन सब जगहों पर लोग थोड़ा देर से भी निकलते हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज उत्तराखंड का 24.61% रहा है। हरिद्वार से कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत वोट देने के लिए पहुंचे। यहां से कांग्रेस ने उनके बेटे वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया है। हरीश रावत का कहना है कि जनता इस बार बदलाव के लिए वोट दे रही है। बेटा उम्मीदवार और पिता वोटर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अनुभूति हुई और मैं शुभकामना देता हूँ वीरेंद्र को और मुझे मेरा मन कहता है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से लोग बदलाव के पक्ष में वोट कर रहे हैं वो भाजपा के लिए चिंताजनक है। अब तक आप खुद उम्मीदवार होते थे और आपको लगता था कि मुझे वोट पड़ रहा है, इस बार आपने वोट दिया किस मन से, वोटर बन? हाँ, वोटर के रूप में बहुत लंबे अंतराल के बाद ये स्थिति आई है तो मैं इस अनुभूति का आनंद जो है अंदर जाते वक्त ले रहा था और वोट डालते वक्त भी मैंने उसका आनंद की अनुभूति ली और वो दुगनी इसलिए हो गई क्योंकि मेरे बेटे उम्मीदवार हैं, उनको मुझको वोट डालने का। आप वोटर रहना चाहते हैं या उम्मीदवार बनना चाहते हैं? लेकिन बेटे उम्मीदवार हैं इसलिए थैंक यू भी कहा क्योंकि बहुत बार वो मेरे लिए चुनाव में निरंतर एक सहायक की भूमिका अदा करते रहे, राजनीतिक जीवन में भी एक सहायक की भूमिका अदा करते रहे, तो यदि वो आगे आ रहे हैं फ्रंट पर, अब वो लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे यदि जनता का आशीर्वाद मिलेगा जैसा मुझे विश्वास है, तो ये पिता के तौर पे मेरे लिए अच्छी अनुभूति है। आप वोटर बनना चाहते हैं भविष्य में या भी उम्मीदवार बनने का कोई मौका सोचते हैं कुछ? आप समझते हैं मैं आपकी गुगली में फंस जाऊंगा। देखिए, ये हम पार्टी के घोड़े हैं,
जहां दौड़ाएंगे जिस तरीके से दौड़ाएंगे उस तरीके से दौड़ेंगे, और फिर काम करने की आदत भी पड़ जाती है। मैं जिस दिन बिना काम के रहूंगा तो मैं उस दिन को बड़ा कठिन मानूंगा अपने जीवन का, जो है अभी तक ऐसा कोई दिन आया नहीं, तो भगवान करे ऐसा दिन ना आए। सर, आखिरी सवाल की आप लोग दावा तो कर रहे हैं कि पांचों सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वैसी स्थितियां नहीं दिखती, और बीजेपी का दावा तो उससे भी ज्यादा मजबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने पे, आप कैसे ये दावा कर ले रहे हैं? बस ये भाजपा अंतिम बार उनके नाम का उपयोग कर रही होगी, और शुभकामनाएं हैं, 10 साल उनके नाम का खा लिया, लेकिन अब जनता ये कह रही है कि इस बार हम मोदी जी के लिए वोट नहीं करेंगे, हम अपने लिए वोट करेंगे, और अपने लिए जब वोट करेंगे लोग महंगाई पर वोट करेंगे, लोग जो बेरोजगारी है उस पर वोट करेंगे, जो विकास रुका पड़ा है या विकास छितरा छितरा चिंदी चिंदी विकास है उस पर वोट करेंगे, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर वोट करेंगे, अग्निवीर जैसी जो है कुयोजनाएं युवाओं पर थोपी जा रही हैं उस सवाल पर वोट करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, किसानों के अपमान जो किसानों को झेलना पड़ा है पिछले कुछ वर्षों के अंदर उस पर वोट करेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे, और हरीश रावत ने कहा और जीत का दावा किया, उन्होंने कहा कि अंतिम बार है जब मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा, तो इस तरह के दावे हर कोई कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी अपने अपने दावे कर रहा है जो भी इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। हमारे साथ उमेश इस वक्त सहारनपुर से जुड़ गए हैं। उमेश, जरा ये बताइए कि अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ, और खासतौर पर सहारनपुर की बात की जाए तो बहुत क्रूशियल सीट ये भी है, और यहां पर भी जबरदस्त फाइट दिखाई दे रही है, अब ऐसे में कौन सा उम्मीदवार किस तरह के दावे करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज के बाद तो इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, और फिर नतीजा जो आएगा वो 4 जून को आएगा। जी हाँ, देखिए लोकतंत्र का महाउत्सव मनाया जा रहा है, लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जा रहा है, और जनता पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है, और लगातार भारी मतदान यहां पर हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया और वहां लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी इस वक्त हम सहारनपुर के मिड में ही मौजूद हैं, और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि इस पोलिंग बूथ में किस तरह से लोगों की यहां पर कतारें लगी हैं, और ऐसी कतारें कमोवेश सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में नजर आ रही है, और महिलाओं की अलग कतार लगी हुई है, लोग अपने अपने मुद्दों के आधार पर वोट कास्ट कर रहे हैं और अपने वोटर आईडी कार्ड भी खाते हुए नजर आ रहे हैं, बेहद उत्साहित हैं। ये माहौल आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कैसा मिजाज है, विक्ट्री साइन बनाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं, और बुजुर्ग मतदाता भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नजर आ रहे हैं। ऐसे ही 5 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वहां कमोवेश ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, और सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, उनसे कुछ देर पहले हमारी वार्ता हो रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि भाई हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। राघव लखनपाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माजिद अली हैं, वो भी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की अपनी कतार है, और जो कहते हैं ना कि इनकी जो किस्मत है वो जनता के हाथों में है, और जनता आज अपने घरों से निकली है, मतदान कर रही है। अब देखना होगा कि किसके पाले में कितना वोट गिरता है और कौन विजयी रहता है, ये तो हम 4 जून को ही देखेंगे। नेहा यादव भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एसपी की प्रवक्ता है। नेहा, अगर एसपी की बात की जाए खासतौर पर, चलिए ठीक है, लगता है कि नेहा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, बातचीत नहीं हो पा रही है, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। मनीष जी, आप ही से हम पूछ लेते हैं। मनीष जी, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो 8 सीट है जहां पर आज लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है, ये थोड़ी सी क्रूशियल सीट है। कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, कुछ अंदर खाने भी बात निकलकर सामने आई कि आपस में ही कुछ मुजफ्फरनगर में पेच फंस रही थी, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या लगता है, क्या ये जो 8 सीट है इस पर विजयी होगी बीजेपी, या फिर कुछ दिक्कत आ सकती है इस पर बीजेपी को? देखिए, लोकसभा के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने डबल इंजन की सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर गई है। हमने जो काम किया है उसके आधार पर जनता का मत और आशीर्वाद हम मांग रहे हैं, और पूरा भरोसा है जनता हमको वोट देगी। 19 में कुछ सीटें हमारे पास इसमें नहीं थी जरूर, लेकिन 5 सालों में बहुत परिवर्तन समीकरणों में आया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एलडी एक साथ चुनाव लड़ रही थी पिछले चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने का नेतृत्व था उसके खिलाफ उनके गठबंधन के लोगों ने विद्रोह कर दिया,
समाजवादी पार्टी इसी क्षेत्र में लगातार प्रत्याशी बदलती नजर आई, चार चार बार पांच पांच बार सिंबल बदलते रहे। और कल रामगोपाल यादव का जो बयान है कि मंदिर में ढोंगी जाते हैं, इससे स्पष्ट है कि उनके पास अब कोई हथियार नहीं बचा, तो तुष्टिकरण का खेल खेलने के लिए फिर समाजवादी पार्टी सामने आई है। जनता ने बहुत ठीक से वाच किया है जो इनके बयान है, और सबसे बड़ी बात प्रचार में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही उतरने की, उन्होंने हथियार डाल दिया है। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता है सोनिया गांधी, वो उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई है। जब सबसे बड़ी नेता चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है, प्रचार के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी निकलने को तैयार नहीं है, इससे स्पष्ट है कि उनको हार समझ में आ गई है और अपनी छीछा लेना और न जी। इस पर जल्दी से रिएक्शन हम नेहा यादव जी से ले लेते हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी, किस बिहाव पर, किस आधार पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी की 150 सीटें आने वाली है इस बार? देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से वोटिंग चल रही है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि जनता जुमलेबाजों को हटाने जा रही है और जो विकास के मुद्दे पे राजनीति होने जा रही है, जो रोजगार और नौकरी की बात कर रहे हैं, जो महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर रहा है इंडिया गठबंधन, उसके सरकार आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भाई प्रवक्ता को बहुत गुरूर और घमंड है, इनके इस गुरूर और घमंड को भी जनता चूर चूर करने जा रही है। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर सीटें आ रही है नेहा जी, पिछली बार तो आपको यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली थी, 8 सीटें, इस बार क्या उम्मीद लग रही है इंडिया गठबंधन को, 8 में से कितनी सीटें मिल जाएंगी? इसीलिए ये बिलबिला रहे हैं, इनको वोट तो जनता नहीं दे रही है, इन्हें ना जाने किस चीज पे इतना कॉन्फिडेंस है। नेहा जी, आवाज आ रही है क्या आपको? जनता लूट कर रही है, इसलिए ये बेचारे बहुत दर्द में हैं। नेहा जी, आवाज आ रही है क्या? मैं समझ सकती हूँ। नेहा जी, आवाज आ रही है? जी जी। नेहा जी, ये बताइए कि पिछली इन 8 सीटों में से आपके पास सिर्फ 2 सीटें आई थी, बाद में रामपुर भी आपने गवा दी, ठीक है, 1 सीट अब आपके पास रह गई है, जो पूरा का पूरा एक समीकरण था वो बदल गया है, जयंत चौधरी चले गए हैं बीजेपी के पाले में, ऐसे में इस समीकरण के साथ इन 8 सीटों पर कितनी सीटें आप जीत लेंगी? देखिए, नेताओं के जाने से जनता नहीं जाती। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए उत्साह से मतदान कर रही है और पूरी पुलिस और उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार लगी हुई है कि कैसे मतदान को कम कराया जा सके, कैसे मतदान से लोगों को वंचित किया जा सके। जैसे बाई इलेक्शन जब रामपुर को हुआ था तो घूम फिर के लोग फिर के आप इलेक्शन और फिर आप आ जाती हैं आप बिल्कुल अधिकार से जनता ईवीएम पे। नेहा जी, ईवीएम पे आप आ जाती है, कुछ मनीष जी कहना चाह रहे हैं, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष जी जल्दी से। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, क्या यूपीए पर बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने ऐसी आपत्ति चुनाव को कहां कहां दी है कि पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है? अगर रोकने का प्रयास किया है किया। चलिए चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार इसी तरह से चलता रहेगा, बातचीत आप लोगों से होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, 4 जून को नतीजे आएंगे जब स्थिति साफ हो जाएगी कि किसने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।